नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात करेंगे बेहद गंभीर विषय की, वो विषय जो पूरे देश में इस वक्त चिंता का सबब बना हुआ है, लेकिन मीडिया चैनलों में वो बहस से बाहर है। वो विषय जो आज देश के भीतर सवाल खड़ा करता है, लेकिन वो विषय राजनीतिक दलों की जुबान पर नहीं। बात बेरोजगारी की तो हो रही है, लेकिन बेरोजगारी के उन आंकड़ों की नहीं जो आज सवाल बन के सरकार के सामने मुंह बाहे खड़े। मोदी सरकार दावे कर रही है, तमाम राज्य सरकार दावे कर रही है रोजगार देने के, बकायदा आंकड़े भी जारी किए जा रहे, मगर जो आंकड़े सीएमआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। वो सवाल सरकार के सामने है, वो आंकड़े सरकार के सामने, उन आंकड़ों की जुबानी आप कहानी को समझेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ठीक कोरोना काल से उभरती अर्थव्यवस्था के दावों के बीच दावा ये कि 8 राज्यों में 10 फीसदी से ज्यादा बेरोजगारी दर है। 8 फीसदी, 9 फीसदी, 10 फीसदी, 11 फीसदी, और आज 8 राज्यों में 10 फीसदी से ज्यादा बेरोजगारी दर अपने आप में सवाल खड़ा कर। क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, क्या झारखंड, आंकड़े हैरान और परेशान करने वाले। ये स्थिति तब है जब देश के भीतर कोरोना काल से उभरती अर्थव्यवस्था का जिक्र दावों के जरिए किया जा रहा है, मगर चिंता का विषय यह है कि ओमिक्रॉन आने से पहले ये आंकड़े और ज्यादा परेशान करने वाले, क्योंकि अभी कोरोना की तीसरी लहर का पीक आता है तो जरा सोच कर देखिए कि हालात कितने भयावह हो सकते हैं। लेकिन बेरोजगारी के विषय पर राजनीतिक दलों की घोषणा पत्र में ये एजेंडा तो है, मगर राजनीतिक दलों ने अपने अपने राज्यों में किया क्या? आखिरकार बेरोजगारी को लेकर देश में राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं है? ये सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछे जाते कि आप बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर एक श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर? क्यों आखिरकार देश को वो मीडिया हाउसेस उलझाने की कोशिश करते हैं सिर्फ हिंदू और मुसलमान के भीतर राष्ट्रवाद के एक एजेंडे को चलाने का दावा करते, मगर उन बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए कोई चैनल मुहिम क्यों नहीं चलाता, एजेंडा क्यों नहीं सेट करता? क्या यह राष्ट्रवाद नहीं है? मेरा सवाल सीधे तौर पर उन राजनीतिक दलों से भी है जो बेरोजगारी को मुद्दा बनाने का दावा तो करते हैं, लेकिन अपने राज्यों में बेरोजगारी दूर करने के लिए वो क्या करते हैं? क्योंकि अगर मैं आंकड़ों का जिक्र करूं तो हरियाणा में 29.5 फीसदी के आसपास, राजस्थान में 20.5 फीसदी के आसपास, झारखंड में 11.5 फीसदी के आसपास बेरोजगारी दर। ये विषय सिर्फ इक्का दुक्का राज्यों तक सीमित नहीं है, मतलब पूरे देश का है। और देश के भीतर बेरोजगारी 1991 से लेकर आज तक सवाल खड़ा कर रही है। सवाल उस नीति को लेकर भी जिस नीति का हवाला देकर मोदी सरकार सत्ता में आई, लेकिन 2014 के बाद से बेरोजगारों की बढ़ती संख्या उस नीति के इंतजार में आज भी खड़ी है। बेरोजगारों की फौज सवाल राजनीतिक दलों से पूछ रही है कि आखिरकार नौकरी को लेकर उनके पास क्या एजेंडा है। सीएमआई के आंकड़े 8 राज्यों में 10 फीसदी से ज्यादा बेरोजगारी दर चिंता का सबब है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद बेरोजगारी बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, ये आज भी सवाल है। मैं सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दूं कि आज इस चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ मेहमान एनपी सिंह साहब, जो कि बीजेपी के नेता हैं, जो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ मेरे साथ केबी त्रिपाठी साहब, डॉक्टर साहब जुड़ेंगे, जो कि
कांग्रेस के नेता हैं, कुछ ही देर में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के भी नेता ज्वाइन करेंगे और साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ भी जो कि अर्थशास्त्र को समझते हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि आखिरकार ये हालात क्या सवाल नहीं खड़ा करते। एनपी सिंह साहब, सीएमआई के आंकड़े पढ़े आपने या सिर्फ वही हिंदू मुसलमान राष्ट्रवाद चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की बात करें। भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। आज आप रोजगारी पर अच्छा। बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी वाकई पूरे देश में है, पहले भी थी, आज भी है और अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। सरकार तो कब तक बेरोजगारी की मार झेलेगा युवा, ये भी बता दीजिए। नहीं, युवाओं को बेरोजगारी से निजात मिलेगी बहुत जल्दी। सरकार ने बहुत सारे प्लान किए हैं, आज भी आप कौन से प्लान की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मेक इन इंडिया वाला प्लान जिसमें 100 मिलियन लोगों को रोजगार देना था आपको, मेक इन इंडिया वाला सर, 2014 वाला। तिलक जी आप सुन लीजिए, मैं वही बताने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं, आज अगर एम्स बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, तो उनमें काम करने के लिए हमारे देश के रोजगार बेरोजगार लोगों को ही रोजगार मिलेगा, देश के लोगों को ही रोजगार मिलेगा, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। आज अगर फ्लाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, आज अगर बड़े अस्पताल बन रहे हैं, बड़े कोई यूनिवर्सिटीज बन रही है, जो भी काम हो रहे हैं उनमें काम करने के लिए देश के बेरोजगार युवाओं को ही रोजगार मिलेगा। सर, सीएमआई के आंकड़े पढ़े आपने? उद्योग लगाए जा रहे हैं, सारे काम उन्हीं को। सिंह साहब, 8 राज्यों में 10% से ज्यादा बेरोजगारी दर आपको हैरान परेशान नहीं करती? बिल्कुल चिंता में नहीं डालती? उसी लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसी पर काम करते हुए ये सारे प्लान किए हैं बड़े। आज अगर देश के अंदर जितने भी काम किए जा रहे हैं विकास के, वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए ही किए जा रहे हैं और इससे लोगों को रोजगार। 2014 से लेकर आज 2021 आ गया जी, देखिए ये तो आपने भी देखा की तरफ देश, पूरी दुनिया मुझे। सर मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ ना कि आपने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, इस हिसाब से तो 14 करोड़ रोजगार हो गए। तिलक जी, आप दे पाए क्या? पिछले दो वर्षों में आपने देखा है कोरोना में लोग घर से बाहर नहीं निकले पूरी तरह। सर, 2 साल पहले की बात कर लीजिए आप, अब तो ओमिक्रॉन और आ रहा है, अब क्या करेंगे? बिल्कुल रोजगार दिया जाएगा, लोगों को रोजगार देने के लिए ही सरकार कार्य। सर, गुलाबी अखबारों में मैं पढ़ता हूँ रोजगार मिलते हुए कि आपने लोगों को पकड़ पकड़ के रोजगार दिया, लेकिन यहाँ पर जो सीएमआई के आंकड़े आ रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है, लेकिन आप एक राष्ट्रीय नीति तक तैयार नहीं कर पाए। देश के भीतर एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? सर, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सिंह साहब, मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी। उदाहरण ये है कि पूरे उत्तराखंड को हम कवर कर रहे हैं जी, गढ़वाल मंडल से लेकर कुमाऊं मंडल तक। मैं इस वक्त कुमाऊं में मौजूद हूँ, रुद्रपुर में जी। रुद्रपुर की आवाम से मैंने पूछा कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। मैं किच्छा गया, मैंने पूछा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। मैं आपके शासित राज्यों की बात कर रहा हूँ, मैं जिस विधानसभा में जा रहा हूँ, मैंने कम से कम 60 विधानसभा को कवर कर दिया और वहां की 60 की 60 आवाम की जनता की आवाज थी कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, आपने पहले भी कहा, मैंने भी कहा है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार कार्यरत है, प्रयासरत है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना टाइम में कोई काम हो नहीं पाया, लोगों की बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों की नौकरियां भी छूटी हैं, लेकिन सरकार ने जैसे ही कोरोना से उबरने की कोशिश की है हमारे देश ने, तो रोजगार बढ़ाने की कोशिश की गई है। सर, राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं लाई जाती? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने अगर प्लानिंग की होती तो देश के भीतर राष्ट्रीय नीति आ जानी चाहिए थी कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने क्या कदम उठाया। मेरा छोटा सा सवाल। ये आपने ठीक कहा है कि राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, बनाने पर भी काम चल रहा है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इनसे पहले हो सकता है इसमें कुछ होकर आ जाए। और अभी बहुत सारी, अभी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए प्रधानमंत्री चुनाव में आएगा, कितने कार्यों की आधारशिलाएं रखी गई है, कितने प्लानिंग कर दिए गए हैं, कितने काम शुरू हो चुके। नहीं सर, ये शिलान्यास तो पहले भी होते थे, घोषणाएं तो पहले भी होती थी। जिस दिन आप लोग श्वेत पत्र कोर्ट में दाखिल करना शुरू कर देंगे ना एफिडेविट के रूप में, उस दिन घोषणा पत्र में हवा हवाई दावों में ना हवा निकल जाएगी सर सबकी। मैं तो सभी राजनीतिक दलों को बोल रहा हूँ कि कोर्ट में दाखिल कर दो एफिडेविट, पता चल जाएगा जब जनता मुकदमा ठोकेगी आप लोगों के ऊपर। खैर, खेबी त्रिपाठी जी, ये तो
मैं राजनीतिक तूतू मैमे में नहीं फंसना चाह रहा, मसला बीजेपी कांग्रेस नहीं है, मसला बेरोजगारों की फौज का है। मुझे चिंता इस बात की है कि अगर देश के भीतर तीसरी लहर आई तो क्या उसे झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। ऐसे हालात में जहां पर सीएमआई के आंकड़े बताते हैं कि 8 राज्यों में 10-20% से ज्यादा बेरोजगारी दर है, ये आंकड़े आप लोगों को हैरान नहीं करते? निश्चित तौर पर हैरान करते हैं। तिलक चावला जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल कम से कम इस पर बात तो हमारी सुनने के लिए मौका दे रहा है। हर चैनल पर हम लोग जाते हैं और कोशिश करते हैं लेकिन हमें मौका नहीं मिलता। दरअसल ये मुद्दा हम उठाना चाहेंगे कि जब 2014 में नई सरकार बनती है और उसके जो घोषणा पत्र आते हैं, जो दावे आते हैं, उनको देखते हुए इसके पीछे के जो बुनियादी कारक हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा नोटबंदी। एक बहुत बढ़िया जुमला उछाला गया, 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आ जाएंगे, उसके बाद रोजगार की आपको जरूरत ही नहीं होगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, आपको सब कुछ घर बैठे मिल जाएगा। उसके बाद जब नोटबंदी शुरू होती है तो चाहे वो संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो, हर जगह नौकरियों की कमी पैदा हो जाती है, क्योंकि बिजनेसमैन को अपना लाभ देखना होता है। किसी भी व्यापारी या पूंजीपति के एक ही सिद्धांत होता है जिसे कॉस्ट बेनिफिट एवेल्युएशन कहते हैं, CBE, कॉस्ट बेनिफिट देखना होता है। और जब बेनिफिट नहीं है तो आपको कॉस्ट घटानी पड़ेगी, कॉस्ट घटाने के चक्कर में आप रोजगार को कम करते चले जाएंगे। रही दूसरी बात, जब GST आया तो इतना उलझा हुआ और इतना टेढ़ा मेढ़ा GST थोपा गया इस देश पर कि जो किसी को आज तक समझ में नहीं आ रहा। मैं भी एक व्यापार करता हूं और आज तक मैं अपनी कोचिंग की GST को नहीं समझ पाया। बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो मुझसे कहते हैं कि एजुकेशन पे तो GST है नहीं साहब, सरकार ने तो बताया एजुकेशन GST फ्री है, लेकिन हमारे यहाँ GST 18% उनसे हमें लेना है, नहीं तो 3 बार मेरी संस्था पर GST का छापा पड़ चुका है जिसके रिकॉर्ड है हमारे पास। GST अभी तक लोगों को परेशान कर रही है, उससे व्यापार घटे। अगली चीज मैं जोड़ूंगा, कोरोना से पहले मैं एक चीज और जोड़ूंगा, मोदी सरकार की नीति ही बेरोजगारी की असली वजह है। मैं तो 1991 के आंकड़ों के हिसाब कुछ नीति है, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। मुझे एक बात बताइए, यही CMI के आंकड़े जो हैं, ठीक है हरियाणा की बेरोजगारी दर के आंकड़े हैरान परेशान करने वाले हैं, लेकिन राजस्थान और झारखंड के आंकड़े भी देखिए आप सर। आप लोगों ने अपने राज्य में क्या सुधार किया, ये भी तो एक उदाहरण पेश हो सकता है। इंडियन इकोनॉमी के सारे आंकड़े हमने देखे हैं, उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ। बताइए फिर राजस्थान का आंकड़ा, आप मुझे झारखंड का आंकड़ा बताइए, आप बताइए फिर झारखंड और राजस्थान क्या इस देश की नीतियों से बाहर है? अभी हमारे साथी MP सिंह साहब बोल रहे थे कि हम अस्पताल खोल रहे हैं, मैं आपसे उन्हीं नीतियों से पूछ रहा हूँ सर। तो आप एक राष्ट्रीय नीति, मैंने तभी कहा मेरा प्रश्न यही था कि आप लोग एक राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं बिल्कुल बनाते कि हमारे देश में अगर बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है जिसे आप भी स्वीकार कर रहे हैं और सत्ता पक्ष भी स्वीकार कर रहा है, तो राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं, क्यों आप कांग्रेस और बीजेपी शासित राज्यों में सब चीजों को उछाल रहे हैं? नहीं बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन जिस समय जैसी परिस्थितियां होती हैं, 2014 तक इस देश की इकोनॉमिक कंडीशन को मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने बहुत बेहतर कंडीशन मिला दिया था। 2014 के बाद आई हुई सरकार ने अपनी नीतियों के कारण, अभी MP सिंह साहब ने कहा कि हम हॉस्पिटल खोल रहे, एयरपोर्ट बना रहे, ये बना रहे, साहब आप बना रही रहे, पब्लिक सेक्टर की सारी कंपनियों को आप नीलाम कर रहे हैं, आप तो उन्हें किराए पे देते चले जा रहे हैं, लीज पे देते चले जा रहे हैं, निजी क्षेत्र को देते चले जा रहे हैं, आप उद्घाटन हंसने की बात नहीं है, ये बहुत चिंता का विषय है। आप लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि जय श्री राम का नारा लगा के चुनाव तो जीत सकते हैं लेकिन पेट नहीं भरता। उन्होंने कहा सरकार की पॉलिसी को समझिए, सरकार ने जिस तरह से काम किया है, सरकार ने जिस तरह से बनाए हैं पूरे देश के अंदर, वो पहले कभी बने ही नहीं है। कितने सरकार नोटबंदी लाई एकदम, कितने तुगलकी फरमान, GST तुगलकी फरमान, निजीकरण तुगलकी फरमान, ऊपर से एक वैश्विक समस्या आ गई कोविड की जिसके चलते और सभी रोजगार कम हो गए। अभी भी निजीकरण पर आप टिके हुए हैं। आज की ये तारीख में बैंक कर्मचारी पूरे देश में हड़ताल पे हैं। तिलक जी, मैं MP सिंह साहब से पूछता हूँ आखिर क्यों नहीं होती थी,
क्या पांच साल अरे साहब हड़ताल होती थी तो ये आंकड़े भी आप उठा के देख लीजिए। अंदर हड़ताल का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े किसी विपक्षी पार्टी के नहीं है, कांग्रेस ये आंकड़े लेके नहीं आई है। लेकिन हम स्वीकारते हैं कि राज्यों में हम कहां से स्थिति बेहतर करें। नोटबंदी क्या किसी राज्य सरकार का विषय था? जीएसटी किसी राज्य सरकार का विषय था? कोविड का प्रबंधन किसी राज्य सरकार का विषय है? आप जो निजीकरण करते जा रहे हैं वो राज्य सरकार का विषय है? राज्य सरकारों पर आप वो आरोप नहीं लगा सकते तिलक जी। एनपीसी राज्य राज्य सरकारों से सवाल ना पूछूं मैं, केंद्र सरकार से ही सवाल पूछूं। आप मुझे ये कह रहे हैं नहीं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी पूछे क्या? नोटबंदी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है? सिंह साहब की तरह पकौड़े तरवा के बोलिए कि हमने लोगों को रोजगार दिया। हम एमबीए करने वाला लड़का, आप उसको कह रहे हैं कि हमने पकोड़े तलने पे लगा दिया, उसकी स्किल मैपिंग तक नहीं की आप लोगों ने। आप लोग कहते हैं कि हमने रोजगार दे दिया, नहीं ये तो के माध्यम से पढ़ा लिखा छात्र जो है सब रोजगार के माध्यम से पकोड़े तल रहा है, ये आप लोगों की नजर में रोजगार हो सकता है? नहीं, मोदी जी ने पकोड़ा तलना रोजगार है। एक सेकंड केबी त्रिपाठी साहब, एक नरंजन जी मेरा ऑडियो आ रहा सर आपको? मेरा सवाल आपसे यही है कि देश के भीतर इस वक्त हमारे विद्वान पत्रकार, देश के बड़े बड़े पत्रकार सूट बूट पहन के टाई कोट पहन के कहते हैं कि वो देखो हिंदू, वो देखो मुसलमान। मैं कहता हूं साहब, छोटा से पत्रकार हैं हम, कहते हैं कि बेरोजगार देखो, बेरोजगारों की फौज देखो, बेरोजगारों की कतार देखो, वो पढ़े लिखे डिग्री हासिल कर चुके जो इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, उनको खबर बनाओ, उनका एजेंडा बनाओ, तब कुछ देश का भला। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से अगर 10 लड़कों को भी रोजगार मिला, 10 युवाओं को भी रोजगार मिला, तो ये मेरी उपलब्धि। सीना ठोक के कहता हूं कि देश को लड़वाता नहीं हूं मैं, मेरा काम देश को लड़वाना नहीं है, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करवाता। मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि सीएमआई के आंकड़े क्या राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को परेशान करने वाले नहीं है? क्या इस पर बहस और चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं बोलूं तिलक जी? जी नरंजन जी। हाँ तिलक जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को और आपके मीडिया संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जहां पे आप एक आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे को आज जिस तरीके से उठा रहे हैं, मैं कहता हूं कि वास्तव में आप मीडिया का धर्म निभा रहे हैं, आप अपनी एक पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं। क्योंकि निश्चित रूप से आज अगर हमारे समाज के अंदर चर्चा होनी चाहिए तो वो इसी प्रकार की मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए जो एक आम आदमी की रोजी रोटी और उसके पेट और उसकी थाली और उसकी रसोई से जुड़ा हुआ हो। और ये इसके लिए मैं आपका जितना आभार करूं उतना कम है। अब मैं आता हूं बात पे। देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से इस समय जो बेरोजगारी का आलम है वो चरम पे है, ये आपका और मेरा मूल्यांकन नहीं है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां है ये उनका मूल्यांकन है। और इसके अंदर देखिए ऐसा है कि मैं, वैसे हो सकता है कि बहुत सारे मुद्दों के ऊपर मैं एक सरकार का समर्थन करता हूंगा, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर मैं निश्चित रूप से सरकार का कहीं ना कहीं फेल्योर मानता हूं कि जो सरकार ने जो पिछले 7 साल से 8 साल से अर्थव्यवस्था के ऊपर या यहाँ की जो इकोनॉमी के ऊपर जो कार्य किया है ये मेरी समझ से परे है। कि जो पिछले 7-8 साल से सरकार का जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो वचन है कि हमें $5 trillion की इकोनॉमी बनानी है, हमें ये करना है, हमें आर्थिक रूप से विश्व की जो तीसरी आर्थिक महाशक्ति बननी है। इकोनॉमी जिनकी बन रही है वो सब जानते हैं, मैं सिर्फ हाँ। 2-3 पूंजीपतियों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस आबादी का जिक्र कर रहा हूं जो खबर तक नहीं बनती है साहब। मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूं कि बेरोजगारी के मसले पर देश के भीतर ना तो चर्चा होती है, ना बहस होती है, ना तू मैं होती है, ना एजेंडे तय होते हैं, ना राष्ट्रीय नीति बनती है। मैं तो कह रहा हूं कि एक राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं बननी चाहिए? अब तीसरी लहर आ रही है, ये आंकड़े हैरान परेशान कर रहे हैं, हम कहां जाकर रुकेंगे?
निश्चित रूप से तिलक जी, मैं कहता हूं कि आज आपने जिस तरीके से शुरुआत करी है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं आपके मीडिया से जुड़े हुए, उनके भी हो सकता है कान के अंदर से जो कीट जमा हुआ है वो निकले, उनके उनके दिमागों के अंदर भी ये चीज आए कि किस तरीके से जनता परेशान है और उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको साधुवाद दे चुका हूं और पुनः आपको साधुवाद देता हूं। किंतु देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर निश्चित रूप से सरकारों को सोचना चाहिए, और ऐसे समय पे जब एक आपातकाल से देश गुजर रहा है पिछले लगभग 2.5 साल से, ये सवाल क्या जायज नहीं है? रोजी रोटी का सवाल है सिंह साहब, आप लोग इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं? मैं एक आंकड़ा बताता हूँ सर, मैं जानता हूँ बहुत बड़े 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 बहुत बड़े पत्रकार बैठे हुए, लेकिन वो सवाल नहीं पूछते सर ये वाले आपसे, मैं पूछ लेता हूँ। विद्वान है, सब कुछ पढ़ते हैं, सब जानते हैं, लेकिन एक एजेंडा तय होता है सर, वो सुबह सुबह हिंदू मुसलमान वाला, जिसमें पूरा देश उलझा हुआ है। लेकिन मेरे पास कुछ आंकड़ा है, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। देश के भीतर मेक इन इंडिया, सर याद है, भूल गए वो 2014 मेक इन, याद है सर, आपने घोषणा की थी कि हम 100 मिलियन जॉब देंगे, 100 मिलियन। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि 100 मिलियन कितना होता है, मैं कोई आपका जीके का टेस्ट लेकर नहीं बैठा, लेकिन ईमानदारी से दिल पर हाथ रखिए, 7 सालों में क्या हुआ मेक इन इंडिया का? कितना रोजगार दिया आपने मेक इन इंडिया से? दिल पर हाथ रख के बोलिए सर। नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा था तिलक जी, अभी भी हम यही कह रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से कोरोना काल में सारे देश की अर्थव्यवस्था, सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप कहां पर खड़े हैं? आपने जॉब्स कितनी क्रिएट की सर? जॉब करने का दिन 2 वर्षों में आपने देखा है कितना बड़ा लॉसेज हुए हैं, कितने उद्योग बंद हुए हैं, कितने कारोबार लोगों के बंद हो गए हैं, घर से बाहर निकलना बंद हुआ है। सिर्फ कोरोना सर, कोरोना का बहाना लेकर बैठे आप। 2019 से पहले आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या थी ही नहीं। देखिए, बेरोजगारी की समस्या तो पिछले 70 साल से चली आ रही है, ये कोई आज ही पैदा नहीं हुई है बेरोजगारी की समस्या, बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन इसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कोशिश कर रहे हैं आप? क्या कोशिश कर रहे हैं सर, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। मैंने तो आपको मेक इन इंडिया का उदाहरण दे दिया, अभी मैंने नोटबंदी और जीएसटी का तो जिक्र ही नहीं किया, जिसके बाद लोगों का रोजगार छिन गया। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने उद्योगों के लिए समिट प्रोग्राम किया था पूरी दुनिया। सर वो छोड़िए, मैं आंकड़े मांग लूंगा दिक्कत हो जाएगी। उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को बुलाया, थोड़ी सर उद्योग नीति को लेकर मैं तमाम सवाल पूछ लूंगा, उसमें दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मुझे बताइए ना मेक इन इंडिया के बाद क्या हुआ? देखिए, मिल गया लोगों को रोजगार। देखा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे पर कितने उद्योगों को प्लॉट अलॉट किए गए हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं, उनपे कार्य किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा और अभी भी मैं हम यही कह रहे हैं कि पूरे देश में हमारी सरकार बेरोजगारी को लेकर। निरंजन जी, फिर उसके बाद केबी त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए निरंजन जी क्या कहना चाह रहे हैं। तिलक जी, ऐसा है, मैं आपके माध्यम से सिंह साहब को बताना चाहता हूं कि आपने बेशक आपने बिजनेस सबमिट की होंगी, बेशक आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का काम किया होगा, लेकिन वर्तमान की जो आपकी पॉलिसियां हैं वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से पूरा विश्व जो है इस कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन ऐसे समय पे सरकारों का जो सिस्टम होना चाहिए, रेवेन्यू जो सिस्टम होना चाहिए उद्योगों को, और खासकर जो हिंदुस्तान का, जो मैं आपको बता दूं रोजगार के अंदर तिलक जी आपके माध्यम से, कि 85% जो रोजगार प्रदान करता है वो एमएसएमई प्रदान करता है, लघु एवं मध्यम श्रेणी के जो उद्योग और जो व्यापार है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैंने पूछा सिंह साहब से, मैं अभी एक बार कंप्लीट कर दूं, मेक इन इंडिया एक उसका उदाहरण है। 2014 से लेकर आपने 100 मिलियन जॉब क्रिएट करने की बात की थी, आपने की, उनके पास नहीं है जवाब उसका। मैं यही जानना मैं उसी चीज के अंदर तिलक जी, मैं उसी चीज के अंदर दो चार चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। तो लेकिन जो सरकार की पॉलिसियां हैं वो कहीं से कहीं सरकार की अपनी पॉलिसी कंट्राडिक्ट करती है। आर्थिक मामलों में मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से और इनको भी बताना चाहता हूं कि मोदी जी जो बोलते हैं कार्य उससे बिल्कुल विपरीत होता है। जब आपने टैक्स जीएसटी लगाया, आपने कहा वन नेशन वन टैक्स, लेकिन आज आप उस टाइम मोदी जी ने कहा कि जीएसटी
जीएसटी से क्लेरिकल सिस्टम कम हो जाएगा, कंप्लायंसेस कम हो जाएगी। आज मैं आपको पूरा जीएसटी में मैंने पूरा जीएसटी पे पूरा अध्ययन किया है, मैं जीएसटी को यूज कर रहा हूँ। आज आपने सारी चीजों को आपने बिल्कुल इतना कठिन बना दिया है। केबी त्रिपाठी जी, हरियाणा में मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज की तारीख में जीएसटी के अंदर श्रीमान जी आपको मैं बता दू 19 रिटर्न भरी जाती है। आप इसको समझिए, कंप्लायंस जैसी स्थिति हो गई, व्यापारी 15 दिन व्यापार करेगा और 15 दिन कंप्लायंस पूरी करेगा। मैं उन नीतियों का जिक्र कर रहा हूं जिसको लेकर आज तमाम सवाल खड़े हैं। श्रीमान जी, ऑनलाइन के लिए आपने कोई प्लेटफॉर्म भी दिया है क्या अभी तक पब्लिक को? आपका आज की तारीख में हमारा 4G में हम लोग चल रहे हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि 8 राज्यों में 10% से ज्यादा बेरोजगारी दर, चलिए वो देश की राष्ट्रीय मीडिया के लिए कोई मुद्दा नहीं होगा, मैं जानता हूँ। ओवैसी कुछ बोल देंगे तो वो सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। कंगना का छज्जा अगर टूट जाएगा तो वो सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। कंगना ने कुछ बोल दिया तो बवाल हो जाएगा, है ना सर? भगवान ना करे कोई बॉलीवुड की हस्ती जो है अगर सुसाइड कर ले तो 90 दिनों तक देश बंधित हो जाएगा जी, है ना सर? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि 8 राज्यों में 10% से ज्यादा बेरोजगारी, उदाहरण के तौर पर हरियाणा, हरियाणा जहां पर 100 में से 48 युवा बेरोजगार, ये चर्चा का विषय क्यों नहीं बनता? हम राष्ट्रीय नीति को लेकर कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे जी? सर, सारे इसलिए पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट, एनपी सिंह साहब थोड़ा सा हमें बोल लेने दें, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर जगह स्किल डेवलपमेंट। सर, स्किल मैपिंग कहाँ का, किस किस राज्यों में आपने करवाई है, अभी रहने दीजिए सर। स्किल मैपिंग के आंकड़े में बात लेकिन त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ तिलक जी, इसलिए ये मुद्दा नहीं बनता है क्योंकि अभी जो देश की व्यवस्था चल रही है जिसमें एक मुद्दा उछाल दिया गया है कि यह सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, धर्म संसदें हो रही हैं, उन पर तरह तरह के वक्तव्य आ रहे हैं और वही टीवी के मुद्दे हैं। लेकिन मैं आपके इस साधुवाद देते हुए विषय पे आ रहा हूँ कि दरअसल नोटबंदी का जैसा अभी जिक्र हो रहा था निरंजन जी ने किया और जीएसटी का किया, मैं खुद व्यापारी हूँ, जीएसटी को रोज झेल रहा हूँ। अगर जो आप एक दिन लेट हो जाते हैं तो उसी दिन से आपसे फाइन शुरू हो जाता है, चाहे इनपुट देना हो या ना देना हो। दरअसल बिजनेस की आपने कमर तोड़ दी है, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो। चूंकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल साहब, केंद्र सरकार की नोटबंदी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है, जीएसटी किसकी जिम्मेदारी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है, सिर्फ केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है। अगर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, आप अपने घोषणा पत्रों में क्यों लिखते हैं, आप अपने घोषणा पत्रों में क्यों लिखते हैं कि हम इतने रोजगार दे देंगे, सत्ता में आएंगे उतने रोजगार दे देंगे? जो लिखते हैं तिलक जी उस हिसाब से हम रोजगार देते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय नीति है वो तो हम नहीं बदल सकते। नोटबंदी क्या कोई राज्य अपने यहाँ न लागू करेगा? झारखंड में आपने कितना रोजगार दिया? अपने यहाँ नहीं लागू करेगा। झारखंड में रोज युवा लाठी खा रहे हैं, कितनों को रोजगार दिया आपने झारखंड में? राजस्थान में कितनों को रोजगार दिया आपने? राज्य सरकार अपने रोजगार दे सकती है, उसके लिए लगातार प्रयास कर रही, लेकिन जहां बेरोजगारी की बात आती है वहां प्राइवेट सेक्टर शामिल होता है। साहब, इलेक्ट्रिक नोटबंदी किसी राज्य सरकार के जिम्मे है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। फिर अगर आप केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी, सरकार की ही जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं श्रीमान जी, जो जीएसटी भी लागू हुआ है वो पूरे हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं इनके सारे वित्त मंत्रियों का उसके अंदर पार्टिसिपेशन था, सरकार इसके अंदर राज्य सरकारों की सहमति से। आपको सारा आंकड़ा दे सकता हूँ कि आपकी सरकारों के मंत्रियों ने क्या जीएसटी के अंदर कहा है और भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी के अंदर क्या लागू किया है, ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। संविधान में राज्यों के अनुमोदन के लिए आधे से अधिक राज्यों के वित्त मंत्रियों की हाँ जरूरी होती है। दूसरी बात भाई साहब, आपकी सरकारें भाजपा शासित सरकारें, दूसरी बात और सुनिए निरंजन जी, संविधान अगर प्रक्रिया है उसके अनुसार आधे से अधिक राज्यों की कंसर्न चाहिए, है 100% स्टेट की कंसर्न नहीं चाहिए निरंजन जी।
आपकी आपकी इसमें जानकारी अधूरी है श्रीमान, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर एक मुख्यमंत्री भी अगर ऑब्जेक्शन लगा, मैं बता रहा हूँ आपको, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर एक वित्त मंत्री की असहमति का भी मूल्य है, और अगर नहीं है तो आप किसी से पता कर लीजिए। जीएसटी काउंसिल के अंदर बैठे हुए बहुत लोगों से मेरी बातचीत हुई है। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, भाजपा शासित राज्यों से चीजें तय होती है। केबी त्रिपाठी जी, एक सेकंड, एक नरेंजन जी, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज विषय जीएसटी नहीं है सर। जीएसटी एक मुद्दा जरूर है इस विषय को लेकर कि देश के भीतर उससे सुधार हुआ या फिर नहीं हुआ। नोटबंदी के बाद देश के हालात बिगड़े या ना बिगड़े, उस पर एक अलग चर्चा हो सकती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े सामने आए, क्या उसको लेकर सरकार व्हाइट पेपर जारी कर सकती है? व्हाइट पेपर, पता तो चले कि हम कर क्या रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है एनपी सिंह साहब, ऐसा हो सकता है कि व्हाइट पेपर जारी हो जाए? देखिए, ये तो सरकार अगर प्लानिंग करेगी और सब बातें आएंगी तो मेरे ख्याल से कुछ भी पॉसिबल है। अगर ये बात चर्चा, अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है आप लोगों की, सदन में अगर आता है तो बिल्कुल इस पर चर्चा की जानी चाहिए। सदन चलता कहाँ है? सदन चलने देंगे आप? प्रधानमंत्री जी सदन में जाते हैं आपके, अभी संसद सत्र में कितने दिन प्रधानमंत्री जी सदन में थे और कितने दिन उत्तर प्रदेश में रैली कर रहे थे? एनपी सिंह का समय निकाल के देख लीजिएगा, कितने प्रतिशत समय प्रधानमंत्री जी वहां देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद को जवाबदेही होती है लोकसभा में, और प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कितना समय बिताते हैं इसका एक आंकड़ा देखिए। एक नेता थे सिंह साहब, सदन को अगर विरोध करते हैं तो सिंह साहब दिक्कत पता क्या है? एक नेता किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बताऊंगा तो सबको याद आ जाएगा। वो कहते थे कि नौकरियां पेड़ों पर नहीं लगती हैं, ठीक बात है ना सर? और जब दूसरी लहर आई थी, उस राज्य की बेरोजगारी दर बिहार की हैरान करने वाली थी, 45-20% तक जा पहुंची। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम आप लोग एक व्हाइट पेपर जारी कर सकते हैं या नहीं, मेरा प्रश्न वहीं पर है। सिंह साहब, देखिए, व्हाइट पेपर की अभी कोई चर्चा कहीं संसद में सदन में नहीं आई है। अगर इस पर कोई चर्चा आएगी तो बिल्कुल इस पर भी प्रस्ताव आ सकता है। तो मतलब समस्या की जड़ पर नहीं जाना चाह रहे आप लोग? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है, समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है और उसी पर कैसे चल रहा है। सरकार हमें 2014 के बाद से आप लोगों ने रोजगार तो छीन लिया, बेरोजगारी लोगों का रोजगार छीन लिया, तो आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं सर? किसका पहले भी निवेदन किया था, जितने डेवलपमेंट के काम इस सरकार ने किए हैं पहले कभी हुए ही नहीं, और प्रत्येक डेवलपमेंट में रोजगार को बढ़ावा मिलता है। जितने भी विकास के काम होंगे सब में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। जय श्री राम का नारा लगाने से पेट भर जाता सर जी, जय श्री राम की बात ही नहीं कर रहे सर, रोजगारी की बात हो रही है, बेरोजगारी। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ ना सर। जय श्री राम तो भारतीय जनता, आप कह रहे हैं कि हमने इतिहास रच दिया, ठीक है, वो आपका एजेंडा था। राम हमारे प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, इसके लिए कौन रोक रहा है आपको? कोई रोक सकता है क्या? राम कभी भी ईस्ट है, आपकी कोई ठेकेदारी नहीं है राम पे। आप अगर नहीं लेना चाहते हाँ त्रिपाठी जी, आज आपको भी राम याद आ गया। मैं सिर्फ विषय पर आ रहा हूँ। नहीं, रोज याद आते हैं। जड़ में क्यों नहीं जा रहे हम? केवी त्रिपाठी जी, समस्या की जड़ में क्यों नहीं जा रहे? समस्या की जड़ में इसलिए सरकार जा रही है कि पिछले 7 साल में इस सरकार ने एजुकेशन पे कोई काम नहीं किया है। एजुकेशन सेक्टर आपका एक बेस होता है जहां से रोजगार पैदा होता है। अभी आप पूरे देश की अगर जो इकोनॉमी की स्थिति के आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, आप एक बार एजुकेशन के आंकड़ों पे भी अगर जो तिलक जी बात करेंगे तो यही स्थिति पाएंगे। अगर जो कांग्रेस सरकार ने बड़े बड़े संस्थान खड़े किए थे तो वहां से पढ़े लिखे युवा आज देश और दुनिया के बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन पिछले 7 साल से इस सरकार ने अभी तक एजुकेशन के लिए कोई कहने के लिए एक बड़ा ढिलोरा पीटा गया। 2020 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। मैं आपके चैनल पर, नेशनल चैनल है, दावा करता हूं कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों तक को नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट माइनर है और कौन सा सब्जेक्ट मेजर है। माइनर और मेजर उस एजुकेशन पॉलिसी को भी ऐसा उलझा दिया है कि कोई भी युवा उसमें समझ ही नहीं पा रहा है। वो ठीक जीएसटी की तरह से है, और उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का परिणाम ये होगा कि आने वाले 10 साल में बेरोजगारी के आंकड़े और ज्यादा होंगे। सुनिए मेरी बात त्रिपाठी जी,
मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, नरंजन जी करेक्ट कर देंगे अगर मैं गलत हूँ। तो ये समस्या तो 1991 से शुरू हुई और 20 सालों के भीतर हम लोगों ने किया क्या? आप फिर वही कांग्रेस बीजेपी में उलझ रहे हैं, वो लड़ाने टकराने भिड़ाने वाले बहुत बड़े एंकर बैठे हुए हैं सर वहां, बहुत बड़े बड़े, वो कहते हैं कि ए बाहर निकल, ए मुख्यमंत्री, ए डीजीपी, वो वाले देश को मालूम होना चाहिए। 1991 के बाद से लेकर आज 20 साल हो गए, हमने उस दिशा में 30 सालों में किया क्या? नरंजन जी मैंने गलत प्रश्न उठाया? निश्चित रूप से तिलक जी, मैं आप ही की बात में एक चीज और जोड़ूंगा। देखिए वास्तविकता जानते हैं क्या है, वास्तविकता ये है कि रोजगार के मामले में कहें या नौकरी के मामले में कहें या आजीविका के मामले में कहें, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चुप हैं। और इन्हीं को देख करके जितने तमाम मीडिया जो एक जिसको कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो भी उसी खेल में लगा हुआ है, हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा पे गढ़ने पे लगा हुआ है। इधर भी विपक्ष को भी आज इन जिन चीजों के ऊपर जनता को आंदोलित करना चाहिए उसके बजाय वो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा पर टिका हुआ है, और ये हमारे देश की और इस समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। और आपको मैं बताऊं, आज आपने जो शुरुआत करी है तिलक जी, आज आपने जो शुरुआत करी है, और ये दूर तक आपकी जो शुरुआत है दूर तक जाएगी, और ये बहुत लोगों को इस चीज की समझ में आएगी कि भाई लोगों की थाली की भी चर्चा करनी पड़ेगी, लोगों के पेट के अंदर कितना सामान है। क्योंकि आपने अभी जैसे कहा कि जय श्री राम के नारे से भूख मिट जाएगी क्या, देखिए ऐसा है, ये इनको सारे ही राजनीतिक जमात को इस चीज को समझना पड़ेगा। भूखे भूखे भजन होए ना गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला, तो ये जो दोहा है ये इसके ऊपर सटीक बैठता है। के बी त्रिपाठी जी, मैं यही तो सवाल उठा रहा हूँ, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द सियासत होनी चाहिए। बेरोजगारी अगर देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा था कि उत्तराखंड का अधिकतर दौरा कर चुका हूं पूरा का पूरा जी। कुछ विधानसभा सीटों को छोड़ के हर बेरोजगार कह रहा है कि हमारे लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जी। आप लोग उलझ रहे हैं हिंदू मुसलमान में, हिंदू और हिंदुत्व में। मैं भी शान से कहता हूं मैं हिंदू, लेकिन मेरा धर्म सबसे पहला पत्रकारिता है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि 5 राज्यों में चुनाव है, आज आप लोगों के लिए बेरोजगारी मुद्दा है। आज आप लोग कह रहे हैं कि पहली कलम से हम इतना रोजगार दे देंगे, उस दिशा में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या सुधार होने चाहिए? एक राज्य तो मुझे बताइए कि उदाहरण के तौर पर ये राज्य है, हमने एग्जाम्पल सेट किया। केबी त्रिपाठी साहब, है कोई एक उदाहरण? तिलक जी, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर जो आप समझ रखते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इसमें राज्य की कितने प्रतिशत भूमिका होती है और केंद्र सरकार की कितने प्रतिशत। 2014 में मोदी सरकार इन्हीं सब दावों के साथ आई थी सरकार में, चूंकि कांग्रेस देश को बर्बाद कर चुकी है, 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो हम 7 साल में करके दिखाएंगे। यही तो आज पूछ रहा है देश कि क्या किया आपने। इसी दावे पे आप आए थे ना, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में आपको तमाम खामियां दिखाई देती थी कि अर्थव्यवस्था की स्थिति कहां पर है। और आप आज पूछिए कि उस समय देश की इकोनॉमी किस स्थिति में चल रही थी और आज किस स्थिति में है। पिछले 7 साल में खाद्यान्न की सारी कीमतें बढ़ी होंगी, लेकिन और चीजें आप किसान की लागत की जो लागत है वो दोगुनी हो जाएगी, आमदनी नहीं होगी। तो आप तो कांग्रेस के नहीं मुद्दों पे आए थे ना, आपने क्या किया? आज तो भाजपा से ये प्रश्न हम पूछेंगे ना कि आपने बेरोजगारी के मुद्दे पे क्या नीति बनाई और क्या आप रोजगार दे पाए। उल्टा आपने बनाई हुई व्यवस्था जो कांग्रेस आगे बढ़ा रही थी उसे चोटिल कर दिया। पूरी इकोनॉमी में पहला प्रहार नोटबंदी का है, दूसरा प्रहार। सिंह साहब, जॉब क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी हम उसी बात पर हैं, हम कहीं बदल नहीं रहे हैं। जितने भी काम जो पहले नहीं हो पाए थे वो रोजगार देने के लिए सर, मैं 370 और 3 तलाक पे नहीं उलझ रहा, मैं सीए की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जॉब क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी है? छोटा सा सवाल। हमारी सरकार की है, बिल्कुल, जो सरकार आपकी सरकार की है। 2014 में आपने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल, इस हिसाब से 14 करोड़ रोजगार हो गया। नहीं, 14 करोड़ तो छोड़ दीजिए सर, 2 करोड़ का हिसाब दे दीजिए। देखिए, है क्या हमारे पास? और अगर है तो व्हाइट पेपर ले आइए, नहीं, जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ।
की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने जैसा कि पहले क्यों नहीं कर रहे, इस वक्त भी मतलब 2014 से पहले हर मुद्दे पर आपको व्हाइट पेपर चाहिए था, 2014 के बाद से व्हाइट पेपर ही गायब हो गए, विकास के कार्यों में लगी, पहले आरटीआई गायब हुई, अब व्हाइट पेपर भी गायब हो गए क्या? आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 1.5 लाख पुलिस की भर्ती हो चुकी है। एनपी सिंह साहब, यूपी में आप लोगों को पकड़ पकड़ कर रोजगार दे रहे हैं, है ना? आप ये कह रहे हैं यूपी में जमीन पे हकीकत देखिए, उनको रोजगार दिया जा रहा है। एनपी सिंह साहब, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ही कराता हूँ, मैं उसी से जुड़ा हूँ, सभी युवाओं की हकीकत जानता हूँ, कितना रोजगार आपने दिला दिया, वो पिछली नटी की भर्ती हाई कोर्ट के आदेश पे थी जो आपने पूरी कराई है। आप विपक्ष से बीजेपी से कुछ सीखिए ना सीखिए, अटल जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अटल जी बता गए विपक्ष की राजनीति क्या होती है। देखिए मैं विपक्ष, इसलिए विपक्ष को कमजोर मत समझिए। केवल एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड केवी त्रिपाठी जी, विपक्ष के हाथ बंधे नहीं होते, अटल जी पूरे देश को सिखा गए, उनसे कुछ तो सीख लीजिए, है ना सर? इतना कमजोर मत समझिए विपक्ष को, अटल जी बता गए पूरे देश को, दुनिया को, कि विपक्ष की भूमिका क्या है। बहस करवाएंगे ना कि जो इनकम टैक्स और ईडी घूम रहा है और तमाम संस्थाएं घूम रही, विपक्ष कहीं कमजोर नहीं है, विपक्ष तो कमजोर किया जा रहा है और हर जगह किया जा रहा है। हाँ सर, वो तोते पहले आपके भी थे, तोते आपके भी उड़ते थे सर, तोते आपके भी थे और उनके भी हैं, उड़ने दीजिए, तोते फिर चुनाव के बाद पिंजरे में कैद हो जाएंगे। नरंजन जी, जॉब क्रिएट कैसे हो इसको लेकर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? मेरा सवाल ये था कि 3 महीने के बाद हालात अगर बिगड़ते हैं कोरोना काल में, फिर से अगर कोरोना पीक पर आता है, तीसरी लहर आती, उससे पहले की हमारी तैयारी क्या है उससे निपटने की, क्या ये प्रश्न नहीं है? निश्चित रूप से तिलक जी, इस चीज को लेकर के आज देश बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, और जो आप तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, ये संभावित लहर है, ये कोई आप ऐसा कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहे हैं, इसको आज जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ है वो इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं फरवरी मार्च के अंदर। और ये अगर तीसरी लहर आती है तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो बेरोजगारी का आलम है वो कहीं से कहीं तक पहुंच जाएगा। और अभी जो एक कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए ऐसा है, मुझे इस चीज को बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि विपक्ष वास्तव में ये है कि सकारात्मक विपक्ष नहीं है। और अगर ये पूछ रहे थे कि रोजगार के मामले में या कारोबार के मामले के अंदर राज्यों का कितना रोल होता है, इनको मैं बता दूं, इसके अंदर 70% जो भूमिका होती है वो राज्यों की होती है, 30% भूमिका केंद्र की होती है रोजगार और अर्थ के मामलों के अंदर भी, मैं आपको बताना चाहता हूं। और उसको अगर आप सिलसिलेवार कहेंगे तो मैं बिंदुवार बता सकता हूं, लेकिन वास्तव में तिलक जी कहानी क्या है कि हमाम में सब नंगे हैं, जब एक उंगली ये दूसरे की तरफ करते हैं तो 4 उंगली इनकी तरफ खुद की तरफ होती है। आज विपक्ष की भी जो सरकारें हैं उनके अंदर सरकार बचाने का और सरकार गिराने का खेल चल रहा है। आप चाहे कहीं भी देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जहां पे भी है कमोबेश यही स्थिति है। और इसीलिए ये ना तो ये कहीं कोई रोजगार की और नौकरियों की बात करते हैं और ना कोई मीडिया संस्थान के ऊपर उस चीज का मुद्दा करते हैं, केवल और केवल जनता को भटकाने के लिए ये जो है ना अनर्गल मुद्दे इधर उधर से लाए जाते हैं। वो तो मेरा ऐसा मानना है कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। सिंह साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा था, 3 महीने के बाद पीक आएगा, तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं जी कि पीक आएगा, उससे पहले मतलब कि बेरोजगारी और बढ़ेगी, उससे निपटने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी भी बढ़ सकती है और बीमारी भी बढ़ सकती है। बीमारी जैसे ही आने की अभी संभावना है कि बीमारी आने वाली है, तो हमारी सरकार ने पूरे देश के और प्रदेश के अंदर हॉस्पिटलों को तैयार किया है कि हॉस्पिटल तैयार रहे। और हॉस्पिटल में सर, मैं बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ सर, बेरोजगारी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? काम करेंगे डॉक्टर, नर्सेज और दूसरे स्टाफ, हाउसकीपिंग, सारे जहाँ भी हॉस्पिटल सर, इंजीनियर ऑपरेशन करेगा क्या? डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा क्या सर? ऑपरेशन करेगा क्या हॉस्पिटल में जाकर? कैसी बातें कर रहे हैं सर? इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन हॉस्पिटल भी एक काज की जरूरत है। बीमारी सामने आ रही है, पहले बीमारी से लड़ने की भी, सीए वकील बन जाएगा सर, रोजगारी और बीमारी दोनों को झेलना पड़ेगा अगर जैसे अगर लहर। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 5 किलो चावल लो, 5 किलो अनाज लो, खाओ पियो और सो जाओ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा तिलक जी, बिल्कुल नहीं। आप कहा, मुझे यही समझा रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे देंगे, सो जाओ, हमें तैयार खाना खाओ और सो जाओ, बीमारी से लड़ने के लिए भी। और सर तैयार आप लोग कितना है मुझे ये बताइए ना।
क्या कर रहे हैं आप लोग, मैं वही पूछ रहा हूँ कि 3 महीने बाद फिर पीक आएगी। तैयारी कर रही है रोजगार सर, ये दावे हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कर क्या रहे हैं आप। देखिए सारी प्लानिंग की जा रही है, आपने देखा है कि जितने भी यहाँ पर काम हो रहे हैं, मैंने पहले भी कहा एयरपोर्ट की बात करें, फ्लाई ओवर की बात करें, बड़े राजमार्गों की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, कॉलेजों की बात करें, सारे बेच दिए हैं, काम किया जा रहा है, सब पर काम किया जा रहा है और हर सारे बेचने पे काम किया जा रहा है। बिल्कुल सब चीजों पे काम किया जा रहा है और ये रोजगार डेवलप करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए ही ये सारे काम किए जा रहे हैं। एमएसएमई का नाम सुना है सर आपने? बिल्कुल जानता हूँ एमएसएमई, बहुत पूरे देश में आधे से ज्यादा लोगों को रोजगार एमएसएमई हाँ, मिला है, आधे से ज्यादा लोगों को दिया जा रहा है और उनके लिए भी हमारी सरकार ने जो लोन का दूसरी चीजें हैं उन पर भी हम लोगों ने सरकार ने काम किया है। और इसके निरंजन जी सुन रहे हैं आप, मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, ऐसा है, ऐसा है तिलक, ऐसा है तिलक जी, विडंबना यही है कि सरकार ने पहले, सबसे पहले सरकार ने स्किल डेवलपमेंट का कार्य चालू किया था, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, और उस स्किल डेवलपमेंट के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ, रोजगार किसी को मिला नहीं और 10-10 हजार रुपए ठेकेदार खा खू करके और करोड़ोंपति बन गए। और उसके बाद में सरकार ने मुद्रा योजना लागू की, मैं आज इनकी मुद्रा योजना की भी हकीकत बता देता हूं, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी इस चीज के अंदर नाकामी मैं इसलिए कहना चाहता हूं तिलक जी कि केंद्र सरकार ने जो भी योजना लागू की उसकी मॉनिटरिंग कहीं से कहीं तक नहीं हुई। मुद्रा योजना के अंदर केवल और केवल उन लोगों को लोन दिया गया जो कहीं, जिनका काम धंधे से या व्यापार से कोई मतलब नहीं था, जिनकी बैंकों के अंदर सेटिंग थी, मैनेजरों के साथ सेटिंग थी 10-10% के कमीशन के ऊपर, मुद्रा योजना के अंदर लोन बटे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद मुद्रा योजना के तहत लोन लेने गया लेकिन बैंकों ने हमें एंटरटेन नहीं किया। ये आपने कभी इस चीज को, मैं आपको पूरा आंकड़ा दे सकता हूं कि मुद्रा योजना के अंदर आपका जितना लोन था, आपको मैं बता दूं 88% लोन डूब चुका है, वो लोन रीपे नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि गलत लोगों को लोन दिया गया है। तो केवल और केवल आप इस, केवल इस चीज से कहने से नहीं चलेगा, जैसे अभी तिलक जी कह रहे थे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, और वित्त मंत्री जी कहते हैं लोग ओला उबर से चलने लग गए इसलिए गाड़ियां कम बिक रही हैं। भाई साहब ग्राउंड पे जाकर के अगर आप चीज को, अगर मर्ज को नहीं समझेंगे, देखिए किसी भी समस्या का जो कारण होता है वो ही निवारण होता है, जब कारण समझ में आ जाएगा तो निवारण भी हो जाएगा। लेकिन अभी आर्थिक मामलों में केंद्र सरकार निश्चित रूप से या तो कारणों पे पहुंचना नहीं चाहती या पहुंच नहीं पा रही है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। केबी त्रिपाठी जी, जी समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान यही है कि पूरे देश में तिलक जी पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया जाए, प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं अपने फायदे पर होता है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरे खून में व्यापार है, तो उन्होंने पूरे देश में व्यापार थोप दिया और पूरे देश को व्यापार थोपने के ही कारण है कि नौकरियां घटती चली जा रही हैं, ऊपर से एक बड़ी महामारी आ गई जिसके कारण और रोजगार के संकट खड़े हो गए। ऐसे समय में केंद्र सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और पूरे आंकड़े सामने लाना चाहिए और बीमारी को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे निरंजन जी, पहले तो आप बीमारी स्वीकारें फिर बीमारी के कारण स्वीकारें। दरअसल जो कारण आपने पैदा किए हैं उन्हीं का परिणाम आज देश भोग रहा है और आगे भी इसकी समस्या और जटिल होने जा रही है। जो अभी मैंने कहा था कि आपको अपनी नीति और नियति दोनों सुधारनी पड़ेगी, सरकार की नीति भी गलत है और नियति भी गलत है। त्रिपाठी नोटबंदी और जीएसटी की वजह है बेरोजगारी? दोनों नहीं, लेकिन इंडिया है, मुद्रा लोन है, स्किल डेवलपमेंट है, सारी योजनाओं का फेलियर है, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस ने काम किया है। मेक इन इंडिया का तो हिसाब अभी सिंह साहब दे ही नहीं पाए मुझे, खैर योजना का नहीं दे पाएंगे, स्किल इंडिया का नहीं दे पाएंगे, नोटबंदी का नहीं दे पाएंगे, जीएसटी का नहीं दे पाएंगे, किसी के साथ नहीं है, अच्छे दिन का नहीं है, 15 लाख का नहीं है, किसी चीज के साथ नहीं है। जी जी बोलिए निरंजन जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप, फिर उसके बाद सिंह साहब फाइनल कमेंट आप। मैं तिलक जी आपके माध्यम से मैं इनको बताना चाहता हूं कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन की अगर ये मुखालफत करते हैं तो मैं इनसे विचार मत भिन्नता रखता हूं, क्योंकि कोई भी सेक्टर अगर सरकारी सेक्टर से वो अगर प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो उससे कहीं भी नौकरी कम होने का कोई सवाल ही नहीं है। उसके अंदर केवल और केवल एक ही फर्क पड़ेगा कि अब कर्मचारी को काम करके तनख्वाह मिलेगी, अब कर्मचारी को हरामखोरी करके तनख्वाह नहीं मिलेगी। आज एयर इंडिया का उदाहरण है, कर्मचारी को गाली दे रहे हैं आप,
कर्मचारियों को सरकारी साबित कर सकता हूँ, मैं इस चीज को साबित कर सकता हूँ। अगर आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात, मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए, मैं आपको साबित करता हूँ, मैं साबित करता हूँ, आप मेरे को बोलने दीजिए, तिलक जी को साबित करता हूँ इस बात को, मैं इस बात को साबित करता हूँ, मेरी बात को सुनिए आप, मैं इस बात को साबित करता हूँ, आप सुनिए आपकी बात नहीं, कुछ भी क्या मैं साबित कर रहा हूँ, फिर अगर आप इस बात को काट सकते हैं तो काट लीजिएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नहीं प्राइवेटाइजेशन, अगर अगर एक एक कंपनी प्राइवेट हो जाती है तो क्या बिना कर्मचारियों के काम करती है क्या वो? अगर कोई अगर कोई अगर अगर आज एसबीआई अगर सरकार से अगर प्राइवेट में चला जाएगा क्या बिना कर्मचारियों के काम करेगा क्या वो? और जो आप कह रहे हैं मेरी बात सुनिए, मैं आपको आपको इस चीज के ऊपर पूरा चैलेंज कर सकता हूँ, आप अलग से डिबेट कर सकते हैं, बिल्कुल अलग से डिबेट कर सकते हैं, नहीं नहीं आप बिल्कुल अलग से कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन से रोजगार पर कोई कमी नहीं आएगी, ये कौन से विद्वान ने और कहा? जो शब्द इस्तेमाल किया वो आपत्तिजनक है, उसको वापस लीजिए प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं बहुत सम्मान करता हूँ सरकारी कर्मचारी, ऐसा नहीं है जो आपकी नजर में हो सकता है, लेकिन उसी हमारे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, हमारे बाबा सरकारी कर्मचारी थे, मेरी बात सुनिए, ऐसा है तिलक जी, आप जो कह रहे हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षक जो है सरकारी स्कूलों में होता है, शिक्षक प्राइवेट स्कूलों में भी होता है, आज एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक का सरकारी स्कूल के शिक्षक का घर देखिए, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा, और जो आप प्राइवेटाइजेशन के बाद सरकारी शिक्षक से विद्वान महाराज थोड़ा ठंडा पानी पीजिए पूरी परीक्षा के बाद निरंजन जी आप ठंडा पानी पीजिए, आप कहते रहे मुझे आपकी सोच ठंडा पानी पीजिए और मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आज देश के अंदर 11.5 करोड़ रुपए का एनपीए है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 10 साल के अंदर 11.5 करोड़ रुपए का एनपीए और 9 लाख करोड़ रुपए का एनपीए केवल सरकारी बैंकों का है, सरकारी स्कूलों को क्या लगती है आपके चैनल की आप बोल रहे हैं, इन्हें माफी मांगनी चाहिए, अध्यापक ने आपको शिक्षा दी होगी, जो आप बहस कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं, निरंजन जी को माफी मांगनी चाहिए, उन्हीं से मिलनी होगी, ऐसा है तिलक जी, मेरी मेरी बात का आप परिपक्ष कुछ भी निकाले, नहीं नहीं सर, मैं निरंजन जी आप अनाप शनाप नहीं, मेरी बात का आप परिपक्ष कुछ भी निकाले, लेकिन एक चीज सत्य है कि मैं सभी सरकारी कर्मचारियों को नहीं कह रहा, लेकिन सरकारी सेक्टर के अंदर काम से ज्यादा कहने में शर्म आ रही कि आप भाजपा मानसिकता से बोल रहे हैं निरंजन जी, और मैं बोल रहा हूँ आप मेरे ऊपर कोई भी चीज सस्ता कर दीजिए, लेकिन जनता की जरूरत है, जो भाषा और जो वक्तव्य आपने दिया इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, बहुत सम्मान करता हूँ, एक सेकंड त्रिपाठी जी, लड़ना नहीं है निरंजन जी का, मैं बहुत सम्मान, तिलक जी कुछ भी बोल रहे हैं आपसे, एक सेकंड मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया मैं उससे इत्तेफाक नहीं, तिलक जी मुझे खाली 30 सेकंड बोलने दीजिए, मैं साबित कर दूंगा अभी, मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर BSNL भी वही काम करता है, उसके ऑफिस अपने हैं, स्पेक्ट्रम अपने हैं, टावर अपने हैं, किसी चीज का किराया नहीं लगता, किसी चीज का भाड़ा नहीं लगता, BSNL घाटे में जा रहा है, और वही काम वोडाफोन कर रहा है, वही काम जियो कर रहा है, वही काम एयरटेल कर रहा है, वो उनके स्पेक्ट्रम भी किराए के हैं, उनके टावर भी किराए के हैं, उनके जितने पूरी दिल्ली के अंदर ऑफिस है वो भी किराए के हैं, क्यों वो उस पर कमा रहे हो, सरकारी सेक्टर घाटे में क्यों जा रहा है, देश के भीतर बेरोजगारी जिस दिन उस दिन आप मुझे एक बात बताइए त्रिपाठी जी, निरंजन जी वक्त ज्यादा दे रहा, थैंक यू सो मच आप सभी का, सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी आपका भी, निरंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये अहम विषय है, इस पर पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए और सवाल सत्ता पक्ष से पूछा जाना चाहिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।